देश में प्रत्येक दिन मौसम में बदलाव हो रहा है। आज 9 फरवरी को भी उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में सुबह के वक्त कोहरा दर्ज किया गया है। भले ही दिन के वक्त धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है, लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होगा। समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता से खास बातचीत में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी तक घना कोहरा रहेगा। चंडीगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में मौसम विभाग के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल जी। आइए इनसे जानेंगे कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर क्या कुछ आगे रहेगा। जी सर, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी जो है मौसम आगे आने वाले समय में ठीक रहेगा। करीब करीब एक वीक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। धुंध में भी कमी आ चुकी है और आगे भी कमी रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत घनी धुंध होगी, लेकिन सुबह शाम में कुछ हल्का कोहरा जो है, खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे हाईवेज हैं, वहाँ हो सकता है। टेम्परेचर जो है सुबह शाम ज़रूर आपको कम मिलेंगे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो है, बहुत ज़्यादा ठंड थी उससे थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि दिन में जो है तापमान जो है थोड़े से बढ़ेंगे। पहाड़ी इलाकों में भी विशेष बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है, करीब करीब 5 से 7 दिन। तो अगले हफ्ते की अगर आप बात करते हैं तो मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, बारिश नहीं है। सुबह शाम जैसे मैंने कहा थोड़े ठंडे रहेंगे और बहुत डेंस फॉग रहने की संभावना नहीं है अब, क्योंकि फरवरी में हम आ चुके हैं। तो ओवरऑल जो है मौसम जो है सुहावना और अच्छा रहेगा। सर, पहाड़ों के साथ लगता चंडीगढ़, तो पहाड़ों का जो मौसम है वहाँ का, उस मौसम को लेकर जो है चंडीगढ़ में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, चंडीगढ़ पहाड़ों के बिल्कुल पास है, तो जैसे ही पहाड़ों में कुछ गतिविधि होती है, बर्फबारी होती है, तो चंडीगढ़ के ऊपर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बर्फबारी होने की या बारिश होने की संभावना है। ये ज़रूर है कि बहुत हाई रिजेज पे कोई बर्फबारी होती है, कुछ कोई हल्का सा कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो उससे जरूर टेम्परेचर में कुछ हल्की सी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल मौसम जो है जैसे मैंने कहा कि स्टेबल रहेगा। सर, जिस तरह से धूप निकल जाती है और लोगों का कहना है कि गर्मी आ चुकी है, तो इसको लेकर आपके लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गर्मी का तो अभी, क्योंकि अभी एक दो डिस्टर्बेंसेज ऑन आने वाली हैं, तो बारिश की संभावना भी फिर लगती है बाय द 3rd and 4th वीक ऑफ फरवरी। तो ठंड बिल्कुल नहीं गई है, हमें ध्यान अभी भी रखना है फरवरी महीने तक, क्योंकि टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास या ऐसे कम ही रहने की संभावना है, जो न्यूनतम तापमान है। सर, बारिश की वजह से जो है ठंड बढ़ने वाली है या घटने वाली है, इस चीज़ को क्लियर कर। बारिश के बाद जो है फिर ठंड होगी, लेकिन अभी जो है इमीडिएट बारिश नहीं है जैसे मैंने कहा, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे बारिश आएगी उसके बाद जो है तापमान में कमी ज़रूर आएगी। जी, तो ये थे मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने बताया कि सुबह शाम जो है धुंध पड़ने वाली है और पहाड़ों के मौसम का असर चंडीगढ़ पर पूरी तरह से रहेगा। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस चंडीगढ़। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.